नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। अवैध 22 किलो गांजा के साथ दो आरोपितों को दिबियापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम अजमतपुर के हैं निवासी। 22 किलो गांजा की अनुमानित कीमत 3,30,000 रुपए आंकी गई। आरोपियों ने अपना नाम रूपेंद्र उर्फ छोटे पुत्र भारत सिंह उम्र 30 वर्ष ग्राम अजमतपुर थाना दिबियापुर एवं संतोष कुमार पुत्र शिवनाथ यादव उम्र 35 वर्ष निवासी सहाबापुर बेवन थाना अकबरपुर कानपुर देहात बताया। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान, उप निरीक्षक सुधीर भारद्वाज, कांस्टेबल आकाश चाहर, कांस्टेबल विशाल तंवर, कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल विष्णु राघव। उक्त टीम को पुलिस अधीक्षक और यह चारू निगम द्वारा 25,000 का इनाम पुरस्कृत किया गया। ये आगामी चुनावों को सुकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए मादक पदार्थों और अवैध शस्त्रों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज सुबह मुखबिर की सूचना पे सीओसीटी के निर्देशन में थानाध्यक्ष दिव्यापुर और चौकी इंचार्ज हरचंदपुर, इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि दो नफर अभियुक्त जो कि उड़ीसा से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, वो उनको अजमतपुर पुलिया के पास से पकड़ा जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक घेराबंदी करके दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। इनकी जामा तलाशी क्षेत्राधिकारी के समक्ष ली गई तो इनके पास से 24 पैकेट प्राप्त हुए, जिनको देखा गया तो उसमें 24 पैकेट अवैध गांजा मिला है, जिसमें जिसका कुल वेट लगभग 22 किलोग्राम है, जिनकी लगभग जो वैल्यू है वो 3,30,000 के करीब लोकल मार्केट में है। ये जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त है ये रुपेंद्र कुमार यादव और छोटे पुत्र भरत सिंह यादव, ये ग्राम अजमतपुर थाना दिव्यापुर जनपद औरैया का रहने वाला है। संतोष दूसरा अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र शिवनाथ यादव, ये साहबपुर बेवन थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात का रहने वाला है। अच्छी कार्रवाई के लिए और भारी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी करने वाली टीम को 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।